यू भी वो लोग वायरल कर रहे हैं अपने फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, जो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी सारे मराए हुए, चाहे वो एम्स की बात हो चाहे किसी जिला अस्पताल की बात हो। क्या कहने विपक्ष जिस प्रकार से रुख अख्तियार कर लिया है, क्या उनकी बातों से किस रूप पर क्या बोले? देखिए, विपक्ष का तो काम है, अपना समय में क्या जंगल राज था वो तो विपक्ष नहीं देख रही है। आज का स्थिति है, जैसे कि औरंगाबाद जिला ही ले लीजिए आप, तो औरंगाबाद में जिला अस्पताल में हमारे यहाँ गेट स्कूल में प्रत्येक दिन 80 जांच होता है। जो 80 जांच आपको सेम डे में अगर आप 2 बजे तक जांच करा लिए तो 5 बजे तक उसका रिपोर्ट आ जाता है, और 80 से प्लस जो जांच होता है वो पटना आता है और 2 से 3 दिन में चल जाता है। और जहाँ तक बात रही वेंटिलेटर के चाहे बेड का, तो आज ही की बात है कि औरंगाबाद में एक पेशेंट फ़ोन किए, सारा चीज़ हुआ, हम लोग फ़ोन किए, तुरंत उनका सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। और एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी जो आदमी कहता है विपक्ष, तो विपक्ष के समय में क्या रहा है, आज का समय तो देख रहे हैं कि चाहे वो एम्स का हो, चाहे कहीं भी पूरे बिहार का हो, औरंगाबाद का हो, हम सभी जगह के देख रहे हैं स्थिति, कहीं न वेंटिलेटर की कमी है, न कहीं ऑक्सीजन की कमी है, न कहीं बेड की कमी है। वो लोग तस्वीर वायरल कर रहे हैं जो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो तस्वीरें वायरल होती हैं। देखिए, स्थिति क्या है कि मान के चलिए कि उन लोगों को तो तस्वीर वायरल करना है, जहां पर गलती से अगर मान कोई कारण से किसी हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल में कोई कारण से 5 पेशेंट अगर वैसा मिल गया तो उन लोग देखते चलता है कहाँ उस तरह के मिल जाए तो उसमें हम करें, लेकिन वैसा स्थिति भी नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम जगह 1 घंटा 2 घंटा वेट करना भले पड़े ऑक्सीजन में, लेकिन मिल रहा है। हम ही तभी माननीय मंत्री जी से ही बात किए थे, उसके एक एक बारे में एक एक जगह रिपोर्ट लिए थे, पूरे बिहार का सभी जगह का रिपोर्ट आ रहा था, तो हम देख रहे थे कि एक एक जगह हुआ कि स्पेयर में कम से कम 25 वेंटिलेटर हर जिला अस्पताल में प्लस जो है सो ऑक्सीजन रखा जाए, ताकि कभी भी सीरियस पेशेंट अगर आवे तो उसको हम लोग उपलब्ध करा सकें। तो विपक्ष का काम है कहना, हम लोग पूरे तत्पर हैं, पूरे बिहार में हम लोग स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक ठाक रखे हुए हैं, और अभी तक का जो स्थिति है आज के डेट में 96 पेशेंट कोरोना पेशेंट हमारे पूरे बिहार में हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसमें किसी वेंटिलेटर पर हैं कुछ लोग उसमें जो है से ऑक्सीजन पर हैं। तो सारा व्यवस्था हम लोग सुदृढ़ करके रखे हुए हैं और उसके अनुरूप काम हो रही है।